कानपुर कमिश्नरेट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बाऊपुरवा थाने में तैनात कांस्टेबल अमित कुमार ने झकरकटी बस अड्डे स्थित गणेश होटल में ले जाकर रेप पीड़िता के साथ रेप किया था। पीड़िता ने कांस्टेबल के खिलाफ 29 अक्टूबर 2021 को बाऊपुरवा थाने में केस दर्ज कराया था। मुकदमा होने के बाद भी साक्ष्यों को दरकिनार कर पुलिस ने कांस्टेबल अमित कुमार को 17 अगस्त को क्लीन चिट दे दी थी। बाऊपुरवा निवासी रेप पीड़िता के अनुसार इलाके में रहने वाले फैजल नाम के युवक ने अक्टूबर 2021 में पहले उसके साथ रेप किया। इसमें पुलिस ने मुकदमा लिख उसे जेल भेज दिया, परंतु जांच के नाम पर थाने में तैनात कांस्टेबल अमित कुमार ने उसे होटल में ले जाकर फिर से रेप किया व किसी अन्य को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार कांस्टेबल पर मुकदमा पंजीकृत होकर 11 महीने बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामले की जानकारी हेतु थाने पहुंचकर जब लगातार भगाए जाने लगा तो उसने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड की चौकट पर आत्महत्या की धमकी दी। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और पुलिस कमिश्नर ने दोबारा जांच के आदेश दिए। महिला एसपी अमिता सिंह करेंगी अब मामले की जाँच की मॉनिटरिंग। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार बाबूपुरवा में कांस्टेबल द्वारा रेप के मामले में पीड़ित की जांच पर जो सवाल उठाए हैं उन मामलों की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। मुकदमा संख्या 201/2021 थाना बाबूपुरवा के संबंध में पीड़िता ने अंतिम प्रपत्र जो कि थाने के द्वारा दिया गया है उससे असहमति व्यक्त की है। चूंकि यह मामला एक महिला के साथ हुए अपराध का है, अतः कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इसी अग्रेतर विवेचना एक महिला निरीक्षक के द्वारा कराने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मामले में सीधा सुपरविजन एक महिला एडिशनल एसपी अमिता सिंह के द्वारा किया जाएगा और इस पूरे मामले को पुनः अग्रेतर विवेचना में सभी तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण एक बार फिर से किया जाएगा। घटना हुई महाराज, मुकदमा बाबूपुरा थाने में चल रहा था तो मुकदमे के सिलसिले में बाबूपुरा थाना आना जाना रहता था। वहाँ पे मुलाकात अमित कुमार से हुई, जो थाने पे शिकायत थे उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो है हम मुकदमे में कार्रवाई करवा देंगे। और फिर उसी मुकदमे सिलसिले में हमें फ़ोन करके उन्होंने टाटमिल बुलाया और वहाँ टाटमिल से हमें होटल गणेशा ले गया। वहाँ पर हमारे साथ नशीला पागल पानी में डाल के पिला कर बलात्कार किया और उसके बाद वहाँ से जब हमें होश आया, हमने विरोध करा तो बोले कि जो है वीडियो दिखाया कि हम वीडियो वायरल कर देंगे। फिर वहाँ से हमें जब टाटमिल पे छोड़ा, हम अपने घर आए, फिर बेहोश हो गए। तो वहाँ से मेरे घर वाले हमें अस्पताल ले गए, हम सिला अस्पताल में 2 दिन एडमिट थे। फिर उन्होंने, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने घर ट्रांसफ़र कर दिया। सिपाही अमित कुमार के खिलाफ आपने कब मुकदमा दर्ज कराया? 10 अक्टूबर 2021 में। और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? उसमें अब तक कार्रवाई एफआईआर हो गई। उसमें बयान होने के बाद जब थाने हम पूछने गए इंस्पेक्टर से कि इसमें क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने हमको चिल्ला कर और गंदी गंदी बातें कहकर भगा दिया कि इसमें अब एफआईआर लगेगी। इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से की? हाँ, बाबूपुरा सीओ के पास गए और आनंद प्रकाश जी के गए और सबके पास गए, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी।